उनको बंद कर दिया जाएगा, तहस नहस कर दी जाएंगी चीज़ें, और फिर वो किया गया। तो इस हवाले से एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है, हम अमूमन कमेटीज़ बनाते हैं, वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स आती हैं, जो कानून साजी के हवाले से उसमें तजावीज़ हैं वो वज़ीरे आज़म साहब की शुरू दिन से हदायत है कि इत्तेहादी जमातों ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर रखी है। स्पीकर साहब वैसे उससे आगे जाते हैं, वो अपोजिशन से भी पहले ड्राफ्ट शेयर करते होते हैं। ज़ाहिर है कानून साजी पार्लियामान का सुप्रीम इख्तियार है, वो सारे मामलात पार्लियामान देखेगी। ये एक रिकमेंडेशन की शक्ल में रिपोर्ट्स आती है जो आज काबीना के साथ। सर, इन केस को पब्लिक भी ट्रायल और फौजी अदालतों में कोई ट्रायल के हवाले से कोई बात हुई? देखिए, वो तो ऑलरेडी चल रहे हैं, इंसदाद दहशत गर्दी में और फौजी अदालतों में ट्रायल्स चल रहे हैं। काबीना में ये गुफ्तगू जरूर हुई है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे गुजरांवाला वाले वाक्य का फैसला आ गया, काश के दीगर जगहों से भी फैसले आते ताकि आवाम तक एक पैगाम पहुँचता कि जो कोई कानून को हाथ में लेता है, जुर्म करता है, निजामे इंसाफ उसको सजा देता है और बर वक्त देता है। इंसाफ में माफी की अपील है सर, आपने देखा होगा।